हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं रक्षाबंधन स्पेशल बहुत ही इजी और इंस्टेंट कोकोनट लड्डू जो सिर्फ दो मेन इंग्रेडिएंट से बनाए जा सकते हैं इन लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले हम कंडेंस मिल्क रेडी कर लेंगे अगर आपने मेरी कंडेंस मिल्क की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं राइट साइड पर इसका लिंक दे रही हूँ आप उसे देखकर उसमें अनस्वीटेंड कोकोनट ऐड कर सकते हैं पर यहाँ पर मेरा कोकोनट स्वीटेंड है इसलिए मैं उसके लिए शुगर फ्री कंडेंस मिल्क रेडी कर रही हूँ अगर आप डायबेटिक हैं या शुगर अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं यहाँ मैंने एक भारा पैन लिया है और आँच को बिल्कुल लो से मीडियम पर रख कर उसमें करीब एक लीटर दूध ऐड कर दिया है हम दूध को ऐसे ही बीच में हिलाते जाएंगे ताकि वो नीचे न लगे और आंच को यहां मैंने लो से मीडियम में ही रखा है ये देखिए हमारा कंडेंस मिल्क यहां बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है दूध का रंग देखिए बदल कर लाइट ब्राउन सा हो चुका है अब अगर आप इसमें एक स्टील का चम्मच उल्टा घुमाएं तो देखिए ये दूध उस पर चिपकने लगा है ये इस समय बिल्कुल तैयार है मैंने यहाँ अपना शुगर फ्री कंडेंस मिल्क के कंटेनर में निकाल लिया है मैं सिर्फ यहाँ डेढ़ कप कंडेंस मिल्क यूज़ कर रही हूँ इस डेढ़ कप कंडेंस मिल्क में आप देखें तो थोड़ी सी मलाई आ चुकी है अभी हम अपनी स्टोव को बिल्कुल लो हीट पर रहने देंगे और इस समय हम अपना शरद कोकोनट इसमें ऐड करेंगे मैंने यहाँ स्टोव की आंच बिल्कुल थीमी रखी है और करीब साढ़े तीन से चार कप कोकोनट और शरद कोकोनट मैंने यहाँ ऐड कर दिया है इस पे डिपेंड करता है कि आपका कोकोनट कितना बारीक है या उसका टेक्सचर कैसा है आ, मेरा यहाँ करीब चार कप इसमें डल गया है आप मिक्स करते जाएं और देखिए कि उस, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है ताकि आपके लड्डू आराम से बन सकें मैंने यहाँ मीडियम से हाई हीट पर एक पैन को गर्म कर लिया है इसमें आधा चम्मच देसी घी डाल के मैं थोड़े से नट यहाँ मैं कैश यूज़ और आलमंड यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा क्रश करके उनको भून कर उन्हें इन लड्डू में मिक्स करूँगी जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इन नट्स को अब हम कोकोनट के मिक्सचर में डालकर मिक्स कर लेंगे और इसे एक साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे अब हमारा मिक्सर यहाँ थोड़ा सा ठंडा हो चुका है अब हम इनके छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे यहाँ मैंने एक प्लेट में शर्क कोकोनट लिया है लड्डू बनाने के बाद हम इनको उस पर घुमाएंगे जिससे इस पर कोकोनट की कोटिंग हो सके जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही उभर कर आएगा देखिए बनाने में कितने आसान है आपको कुछ फ्राई नहीं करना है बस इनके लड्डू बनाइए कोकोनट पे रोल कीजिए और चाहे तो ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर दीजिए ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ऑप्शनल हैं और स्पेशली इस समय जब आप बाहर नहीं जाना चाहते या बाहर से कुछ खरीदना नहीं चाहते घर पर इन्हें बनाइए ये इतने आसान हैं और सबको बहुत पसंद आएंगे यहाँ मैंने थोड़ा सा पिस्ताशियो क्रश कर लिया है अब हम इन्हें थोड़ा सा पिस्ताशियो डाल के इनको डेकोरेट करेंगे ये देखिए लग रहे हैं ना बिल्कुल बाजार से खरीदे हुए आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी प्लीज इसे ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये कैसे लगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग And also follow me on Instagram for exclusive content at Flavors of India. Bye!